बेटा अपना चेहरा ना बिल्कुल पिचारी वाला बनाना, एकदम पिचारी बनकर सफाई करते जाना। कोई भी देखे तो उसे यही लगना चाहिए कि आप मेहमानों का कितने अच्छे तरीके से स्वागत कर रहे हो। पापा बहुत खुश होंगे आपको देखकर। बेटा अगर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप करते जाओगे ना तो पापा बहुत बहुत जल्द मिलेंगे आपको। आई प्रॉमिस। याद रहे हंसना बिल्कुल नहीं तो सब सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछा तो आप जानते हैं ना कि आपको क्या कहना है। ये बच्ची कौन है? मैंने पूछा ये पोछा लगाने वाली बच्ची कौन है? अब ये हमने से नहीं कहा काम करने के लिए, ये खुद कर रही है अपनी मर्जी से जो भी कर रही है। बेटा बिना डरे बोलो, आपसे यहाँ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है? नहीं पुलिस अंकल, मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, उसको अपना घर समझ के। तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। एक बच्ची को गुमराह करके उससे घर का काम करवाना, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैनिपुलेशन का केस बनता है आप पर। मिस्टर सक्षम मोदी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट टीम। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बेटा बेकसूर है। हाँ। सक्षम ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो भैया को, और वो भी एक झूठे केस के बिहाफ पे। इंस्पेक्टर साहब एक बार उसने कहा ना कि वो खुद अपने मर्जी से कर रही है, हमारे घर में किसी से बाल मजदूरी नहीं करवा रहे। चलिए मान लिया कि आप बाल मजदूरी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर ये लड़की कौन है? अंकल मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं अपने पापा के लिए आई हूँ। पापा कौन है इसका पापा? चल क्या रहा है यहाँ पे बताइए आप लोग, वरना मैं पूरे परिवार को एक साथ जेल में बंद कर दूंगा। ये है मेरे पापा। क्या बोला बेटा? आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या यही आपके पापा हैं? ये सक्षम जी को पुलिस के चक्कर से बचाने का यही एक तरीका है। ये मेरे पापा हैं, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, और हाँ आप इन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। प्लीज पुलिस अंकल प्लीज। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम सबको क्यों बार बार एक ही सवाल गोल गोल घुमा के पूछ रहे हो? सक्षम जी इसके पिता है और मैं इसकी माँ हूँ, यही सच है। हाँ यही है मेरे पापा, है ना पापा? नहीं। हाँ। आप लोगों को विपरीत भाषा में बात करने की आदत है क्या? नहीं बा, वो कहना कि आप देख रहे हैं ना इसे कितनी ड्रामेबाज है, ऐसे बच्चे होने से बेहतर है कि बच्चे ना ही हो। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं बीच बीच में आता रहूंगा, और ध्यान रहे आप सब पे मेरी नजर रहेगी। चलो तुमने झूठ क्यों बोला? और मैं आपका पापा नहीं हूं। पर आपने तो कहा था कि आप मेरे पापा हो। क्योंकि पुलिस अंकल खड़े थे मेरे सामने, पकड़ के ले जाते मुझे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा झूठ, वो भी आपकी वजह से। तुम्हें बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं है। सक्षम जी इंस्पेक्टर से नाराज है, आपसे नहीं। अब थक गई होगी, हाथ धो लो अच्छे से और अपने कमरे में जाके आराम करो, फिर हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे साथ में। ओके बाय। ये तुम क्या कर रही हो गोपिका? उसे क्या झूठा दिलासा दे रही? इसका मतलब ये है कि अब मुझे रोज झूठा ड्रामा करना पड़ेगा इसका बाप बनने का। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुना ना इंस्पेक्टर ने क्या कहा? वो आते जाते रहेंगे और उनकी निगरानी हम सब पर रहेगी।
इसलिए तुम्हें ये नाटक तो करना होगा। कीजिए आप लोग नाटक। सक्षम, सक्षम जी, क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को संभालिए, छोड़िए इसे। कैसे संभालू गोपिका? अचानक से बच्ची घर में आ जाती है, उसका पापा बन जाता हूँ मैं। तो पता मैं कितना बार झूठ बोला वो पुलिस वालों के सामने? आपने कहा ना 100% श्योर नहीं हूँ, 1% बाकी है ना। तो गोपिका ताने माने बंद करो प्लीज। मैं तो बता चुका हूँ ना बच्चों को लेकर मेरी सोच क्या है। जानती हूँ आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती मैं। कितने बार कहोगे, बार बार क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरे पापा से मिलना था ना, ये देख, ये रहा। और तुझे पता इनका नाम क्या है? सक्षम मोदी है ना पापा? कुछ नहीं से थोल लगी थी। देखा कितने अच्छे पापा हैं। कैसे? मैं आराम से, मैं आपका पापा नहीं हूँ। पर आप ही नहीं तो पुलिस अंकल के सामने बोला कि आप मेरे पापा हो। आप इनको समझाइए ना, अगर ये मेरे पापा नहीं बने तो पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी और मुझे बहुत बुरा लगेगा। पुलिस इन्हें पकड़ के कहीं नहीं लेके जाएंगी, प्रॉमिस। और तुम्हारे सक्षम पापा भी इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों सक्षम पापा? ख्याल रखेंगे ना? स्कूल में मेरे को फ्रेंड्स क्या कहते थे कि ना मेरे पास पापा नहीं है खेलने के लिए। अब तो मेरे पास भी पापा है खेलने के लिए। चलो पापा खेलने चलते हैं। चलो ना। आपका गेम प्लान? मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मुझे आज के बाद आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना, सुना आपने? देख रहे तुमने, इसलिए मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगे। पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं है केसरी, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा हार गए ना, इसलिए वो गुस्सा हो गए। देखा नहीं कितनी मिट्टी लग गई थी उनके पैर पे। अभी से तुम पापा के साथ ऐसी गेम खेलो जिसमें ना तो उनके कपड़े खराब हो, ना उनके जूते खराब हो, ना उन्हें गुस्सा आए। ऐसा गेम खेलो जिसमें उनके चेहरे पे मुस्कान आए। अच्छा, खुशी वाला गेम। हाँ। आइडिया। लिसन गाइस, क्या हम आधे घंटे की ब्रेक लें? ओके सर, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू। इतना कुछ चल रहा दिमाग में कि मीटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। हाल कैसा है जनाब? हाय मेरी तो लगी पड़ी है, मतलब जान हथेली में लेके चल रहा हूँ। तेरा क्या है? मेरा भाई, मैं ना आशी से 4 फीट की दूरी बना के चल रहा हूँ। पापा पता है कमरे से नहीं निकले अभी तक। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या हो गया, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अरे कभी भी आ सकती है। कौन आ सकती है? ये जलेबी, ये तो वही लड़की है ना जिसने हमारी शादी में बहुत हंगामा किया था। मेरा से कोई लेना देना नहीं, तुझे पहले भी बताया था ना, बताया ये ना राहू की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। कोई नाता नहीं है ना तेरा इससे? बिल्कुल नहीं। मेरे सामने बात कर, बात कर मेरे सामने। फोन उठा, स्पीकर पे डाल। हेलो। अरे बड़ी देर लगाती मजनू तूने फोन उठाने में, तेरी छिपकली बीवी चिपकी है क्या तुझसे? ए कितनी बकवास करती है तू, पागल हो गई है तू? कितनी बार बोला तेरे को कॉल मत किया कर, पीछे पड़ रहती है, पागल है। हाय तेरा गुस्सा अभी तक वैसा ही है रे। क्या लेना था और कितना देना था तुझे भी पता है और मुझे भी, वही हिसाब चुकता करने आ रही हूँ तेरे घर। जलेबी? जलेबी कौन जलेबी? कुरियर वाला है क्या? है दिखा। ब्रेसलेट लव 2011। कल तुम चारों में से वो सामने नहीं आया जो मेरी बच्ची का बाप है। याद करो ये तुमने मुझे कब दिया था और जल्द से जल्द सबके सामने आओ। 2011 यानी कि हमारी शादी का पहला साल। तेरे हिसाब से तो तूने वो जलेबी वाला चैप्टर हमारी शादी के पहले साल ही खत्म किया था ना? तो क्या है? रजू मैंने तो वो लैला का वन साइड चैप्टर कब का खत्म कर दिया था? उसी समय खत्म किया था, कुछ खत्म नहीं किया था। उसने फोन करके बोला कि वो आएगी और अब उसने वो चिट्ठी और ये ब्रेसलेट भेजा है। इसका मतलब वो बच्ची तेरी तेरी चली गई है। ये चिराग, ये चिट्ठी के हिसाब से बच्ची आपकी है मुन्ना भाई, आपकी है। भगवान ने रसोड़े में क्यों गई? क्या कंफ्यूजन क्लियर? अब तो गुस्सा तुम तो रजो सुनो। अरे रजो ये कैनिस्टर लेके क्या कर रही हो? हाँ जी मिट्टी का ढेर ला, सारे के सारे हिसाब बराबर कर देगा। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है? मर जाने दो मुझे, मैं नहीं कर रही हूँ। रजो इसमें इस कैनिस्टर में ना क्या है? क्यों बता रही हो? अरे अरे दे मुझे। अरे तू जिगर के बारे सोच, मेरे बारे सोच, क्या होगा मेरा? तू ना जलेबी बना और उसमें ना केसर डाल के खा। ये रिलैक्स, रोज वाटर है। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। मुझे कोई मत रोकना, आशीष आप भी मुझे मत रोकना, आप भी मुझे मत रोक। कोई कोई नहीं, मैं अम्मा जी तो छोड़ो, इस घर की
पहले तो आप रोना बंद कीजिए और ये जान लीजिए कि इस घर की सारी औरतों की सहानुभूति आपके साथ है। अब बताओ आशी, क्या कहना चाहती थी? रज्जो, इसमें गुलाब का पानी है। इसीलिए हमने आपको रोका नहीं, पर एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम सब जानती हैं कि गलती आपकी नहीं, गलती आपके पति की है। गॉड, मैं तो हाफ ना बोला था, ये घंटों क्या? I'm sorry guys. वेटिंग कंटिन्यू करें। What happened? सर, आपका चेहरा। क्या हुआ मेरे चेहरे को? तो पता, मेरी मीटिंग चल रही थी और क्या किया आपने ये? लेकिन पापा, इसमें आपको चोट भी नहीं लगी और सारे लोग हंस भी रहे थे। सक्रम जी, जी लग रहे हो। हंसी आ रही तुम्हें? बहुत हंसी आ रही। सब कुछ मजाक लग रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे? मेरी मीटिंग थी बहुत इम्पोर्टेंट, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सक्षम जी, बच्ची है, बच्चे मजाक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो बस आपको मसाने की कोशिश कर रही थी। केसरी बेटा, पापा ना तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे, गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहे थे। आप अपने कमरे में जाओ और आराम करो, ठीक है? मैं आके तुम्हारे साथ न्यू गेम खेलूंगी। शर्म आनी चाहिए सक्षम जी आपको, एक छोटी सी बच्ची पे हाथ उठा रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करोगे। शर्म आनी चाहिए मुझे, जब से वो बच्ची आई है तुम्हारा बर्ताव कितना चेंज हो चुका है। अब तो मुझे पहले ज्यादा शोर हो चुका कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। हाँ तो मत करिए बच्चे, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार तो मत करिए। उस बेचारी बच्ची को पता भी नहीं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो अपने पापा को कभी मिली नहीं सक्षम जी, आप समझती क्यों नहीं उसे? वो बस चाह रही है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला सके, ये कोशिश उसी के लिए थी। अब कब समझेंगे उसे? अच्छा, तुम्हें बहुत समझ है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ मुझे समझ है, क्योंकि इसी के तरह मैंने भी अपना पूरा बचपन अपने पिता के प्यार को मिस करते हुए बिताया है। बत्तीसी क्यों दिखा रहा है? हाँ, कल तो बड़ा मुंह चढ़ा के चला गया था। हाँ बोलो। बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। क्या? ये देखो, आज सुबह ही रिकॉर्ड किया ये वीडियो। हम इतने अच्छे से बर्ताव कैसे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? हाँ, अरे क्योंकि कल जो लड्डू खाए थे ना आप दोनों ने, उसमें भांग मिली हुई थी ना। पर उसका असर अभी तक? वो मैंने सुबह 2 लड्डू खा लिए थे। मैंने सुबह सुबह 4 लड्डू खा लिए। अब ये वीडियो जाएगा स्टार सास बहू कंपटीशन में। अच्छा काम किया है तुमने, है ना? पहली बार। हाँ। पहली बार मतलब क्या? पहली बार अच्छा काम किया मतलब क्या होता है? क्या बना रही है? फिर से डांटूंगी अगर बताऊंगी तो। गोपिका आंटी ने भले ही अच्छी बात बोलकर मुझे भेज दिया वहां से, पर मुझे ये समझ में आया कि आपने मुझे गुस्से में आके कितना डांटा।
मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए क्या ना कि पहली बार पापा बना होगा, मुझे आदत भी नहीं है कि पापा कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बच्चों को प्यार करते हैं। पहली गलती है तो सॉरी। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे कि मुझे आपको हंसाने के लिए क्या करना होगा? मैं एक और भी काम कर सकता हूँ। मैं अपनी टंग को ना यहाँ लगा सकता हूँ। काम कर सकता हूँ मैं आपको हंसाने के लिए ना डांस कर सकता हूँ। डांस? यस। आता भी है आपको? ऑफ कोर्स आता है। के पापा से मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं भी थी, पर देखो मैं तो मान गई। पापा बहुत अच्छे हैं। जैसे पापा ने मुझे मनाया ना, वैसे वो आपको मनाएंगे।